हाल ही में समाजवादी पार्टी के डिजिटल मीडिया कोऑर्डिनेटर मनीष जगन अग्रवाल ने अपने ट्विटर पर एक लड़की का फोटो शेयर किया था, जिसमें वो लड़की हाथ में बोर्ड पकड़ी हुई नजर आ रही है। उस बोर्ड पर लिखा है, ताजमहल की सुंदरता के पीछे प्लास्टिक है। बता दें कि ताजमहल, जो कि दुनिया के 8 अजूबों में से एक है, उसी के पीछे प्लास्टिकों का ढेर लगा है, जिसे ये लड़की लिसिप्रिया कनगुजम दर्शा रही है। इसी फोटो को शेयर करते हुए सपा के डिजिटल मीडिया कोऑर्डिनेटर ने लिखा कि विदेशी पर्यटक भी भाजपा शासित योगी सरकार को आईना दिखाने को मजबूर है। भाजपा की सरकार में यमुना जी गंदगी से भरी पड़ी है। ताजमहल को खूबसूरती पर ये गंदगी एक बदनुमा दाग है। विदेशी पर्यटक द्वारा सरकार को आईना दिखाना बेहद शर्मनाक है। भारत और यूपी की ये छवि भाजपा सरकार ने बनाई है। तो वहीं जब इसी पोस्ट को लिसिप्रिया ने देखा तो वो भी जवाब देने से खुद को रोक नहीं पाई। उन्होंने खुद को विदेशी पर्यटक बोलने वाले मनीष जगन अग्रवाल को जवाब देते हुए कहा कि सर, मैं विदेशी नहीं, गौरवान्वित भारतीय हूँ। वहीं अब ऐसी गलती पर सपा के डिजिटल मीडिया कोऑर्डिनेटर जमकर ट्रॉल हो रही हैं।